कुछ लोग कह रहे हैं कि इस काफी बार तोड़कर बनाया गया, आग भी लगा दी गई थी इसमें। फाइनल डिजाइन ये है, ये आप देख सकते हैं। तो ये एंट्री गेट है मैसूर प्लेस का, 70 रुपये का टिकट है और यहाँ से आप आएंगे, बस से भी आ सकते हैं। कौन सी बस आएगी थोड़ा सा आप लोकल से कैरी कर लें। अभी हम चलते हैं, एक बार टिकट ले लें क्योंकि जस्ट अभी पहुँचा हूँ। अंदर चलते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे ही आप एंटर होंगे आपको ये टेम्पल मिलेगा देखने के लिए, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे टेम्पल्स आपको साउथ इंडिया में ही देखने के लिए मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। एंट्री गेट से ही जस्ट एंटर होते ही आपको टेम्पल मिलेगा। इसके बाद आप इस तरीके से जा सकते हैं या फिर जैसे मैं जा रहा हूँ सामने। इसके आई थिंक 7 गेट हैं, आप देख सकते हैं। सामने एक गेट है, एक गेट ये है, एक गेट वो है और 2-4 छोटे छोटे गेट हैं। तो अभी चलते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। तो इसकी हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूँ। ये वाडिया डायनेस्टी का प्लेस है, मैसूर को सिटी ऑफ प्लेसेस भी कहा जाता है। टोटल 7 प्लेसेस हैं इसको मिलाकर। 1897 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1912 में इसका कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। इसकी जो ओनर है महारानी प्रमोदा देवी वाडियार हैं। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे इरविन, उनको मतलब उन्होंने ही ये कंस्ट्रक्ट किया डिजाइन वगैरह इसका। सबसे खूबसूरत चीज है मैसूर में और सबसे मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है मैसूर में, अगर आप आते हैं ये देखने। तो बेसिकली यहाँ आपको अगेन पूरा जैसा इंडिया की हिस्ट्री रही है राजा महाराजा की, मेरे ख्याल से हर कंट्री में राजा महाराजाओं ने ही रूल किया डेमोक्रेसी से पहले, कुछ इस तरीके से प्रमोदा देवी वाडियार रहती थी यहाँ पर। और इसके बारे में काफी सारी चीजें हैं, तो मतलब कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस काफी बार तोड़कर बनाया गया, आग भी लगा दी गई थी इसमें। फाइनल डिजाइन ये है, ये आप देख सकते हैं। अभी अंदर चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाते हैं। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, अभी उधर काफी डार्क था तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ये यहाँ पर मतलब कुछ जो निशानियाँ होती हैं, जो पुरानी चीजें अभी भी प्रिजर्व करके रखी गई हैं वो है। तो वहाँ पर एक 750 kg का एक तरीके से जो जगह जहाँ पर राजा बैठते थे वो था, 1970s तक उसको यूज करते थे। लेकिन अभी जो चामुंडेश्वरी मंदिर है उस मूर्ति होती है उसको रखते हैं दशहरे के टाइम पे। दशहरे के टाइम पे इसको मोस्ट कहा गया विजिट करने के लिए। और ये बहुत ही ठंडा है अंदर से, आई थिंक वेल डिजाइंड है। आप इसका देख सकते हैं पूरी जो कटिंग है पत्थर वगैरह की, आप देख सकते हैं इसको, ये आपको ऐसा मिलेगा। कुछ ऐसा हुआ करता था हिस्ट्री के टाइम पे। वीडियोग्राफी निषेध है, कहीं लिखा नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ, अगर किसी ने कहा तो डिलीट कर देंगे, अदरवाइज तो भाई चली रही है कहानी। और ये इसका आप देखें प्रांगण बोल दूँ इसको मैं, प्रांगण हिंदी में शब्द सही लग रहा है। ये यहाँ पर वाडियार फैमिली के फोटोज लगे हुए हैं, अलग ही शान की जिंदगी जीते थे। ये आप देखें कैसे बैठे हुए हैं। ओ उस टाइम पे भी चश्मा होता था एक बंदे के, देखो चश्मा लगा हुआ है। कांति वीरा नरसिम्हग्रा वाडियार, वाडियार मैंने जैसे बताया था ना कि वाडियार फैमिली का था ये। भाई देख रहे हो इंडिया गरीब नहीं था, इस बात से तो बहुत सही समझ में आता है। देख रहे हो कितने सिल्की कपड़े पहन रखे हैं, क्या स्टाइलिश। उस टाइम पे भी देख रहे हो कितना सही। हर्षमा वाडियार फोर्थ पेंटेड बाय रवि वर्मा। ये हमारे गाइड साहब बता रहे हैं कि 280 किलो के सोने के सिंहासन पे बैठते थे। और ये आप देख सकते हो हाथी के दांत से बना हुआ जो सामने जिस तरफ की फिंगर है, ये सिल्वर किया और ऊपर लकड़ी का बहुत शानदार काम हुआ है जिसकी पेंटिंग की जाती है। मतलब यहाँ पे गाइड साहब बता रहे थे, मैंने तो चोरी से सुन लिया कि ये था यहाँ का दीवाने आम, यहाँ पर राजा साहब बैठते थे 290 किलो के सिंहासन पे, ठीक है। और पीछे मंत्री वगैरह बैठते थे, उधर इंडियन वीआईपी और उधर इंग्लैंड वीआईपी, ठीक है। और ये जो पर्दे पीछे लगे हुए, यहाँ पर फीमेल्स बैठती थी और राजा अपनी जनता की फरियाद सुनता था दशहरे के टाइम पे 9 दिन, उसके बाद मंत्री वगैरह सुनते थे। अभी क्या है कि चलो पहले 9 दिन तो मिल लेता था राजा, अभी तो मंत्री लोग मिल ही नहीं पाते। बढ़िया बना हुआ मतलब, ठीक है 70 रुपए हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, संडे को यहाँ पर लाइटिंग शो होता है 7 से 8, 1 घंटे का शो होता है वो। 1 लाख बल्ब यहाँ पर लगे हुए और 90,000 रुपए 1 घंटे का बिजली का बिल आता है, इसलिए वो सिर्फ एक ही दिन होता है। तो अगर आप चाहें तो वो आकर यहाँ पर देख सकते हैं, आई होप इट विल लुक अमेजिंग। और ये मैसूर प्लेस का रेजिडेंशियल विंग है, मतलब जो राजा के साथ रहते थे लोग बाग, उनके कमरे घर ये है देख सकते हैं। यार मैं तो बेचारा ये सोच रहा हूँ, उस बंदे ने इतना पैसा लगा होगा, इतना टाइम लगा होगा, तब यहीं रह जाता है ज़िंदगी में, इसलिए तो कहते हैं। तो अपने जो लाइफ के गोल्स हैं, श्री प्रसन्ना कृष्णा स्वामी टेम्पल, अगर आप टेम्पल, साउथ इंडिया के टेम्पल्स भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। मतलब इनका ये थे जी श्री कंडाटा नरसिम्हा राज वाडियार, 1953 से 2013 तक तो ये जिंदा थे, 2013 में हम मिल सकते थे इनसे। अभी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इसकी टेनेंट है। अच्छी जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप आर्किटेक्चर में बिलीव करते हैं।
पुरानी हिस्ट्री को देखना चाहते हैं, राजा महाराजा कैसे रहते थे। हो सकता है 1% आपको जलन हो जाए उनकी ज़िंदगी को देख के, अभी हम कैसे रहते हैं आपको पता ही है। पैलेस से बाहर निकले, मैसूर पैलेस से, और हम अब जा रहे हैं मैसूर जू की तरफ। मैंने सुना था काफ़ी मैसूर जू भी ठीक ठाक ही है, बहुत दिन से जू गया भी नहीं। और ये सारी लोकेशन विद इन 2 किलोमीटर्स के आसपास ही है, मतलब कैडियल चर्च से मैसूर प्लेस 2 किलोमीटर, और फिर मैसूर प्लेस से ये मैसूर जू 2 किलोमीटर। मास्क को लेकर कन्फ्यूजन है, किसी ने पहन रखा है किसी ने नहीं पहन रखा। मैसूर सिटी के मेन टूरिस्ट डेस्ट्रिक्शन एक्सप्लोर करते हैं, तो विद इन वन डे में आपका हो जाएगा इजीली। अगर आप मैसूर से फिर आगे कहीं जाते हैं काबिनी रिवर वगैरह तो आपको टाइम लगेगा। तो अभी जू पूछते हैं, देखते हैं कितना टिकट है, कैसा है यहाँ का जू आपको दिखाते हैं। एक और चीज़, जब आप मैसूर पहुँचेंगे तो ये आपको देखेंगे जू के सामने खड़े रहते हैं काफ़ी सारे, और एक तरीके से पुरानी यादें ताज़ा कर सकते हैं, मतलब जो राजाओं के टाइम पे घोड़े वोड़े चलते होंगे। अब ये सामने मैसूर जू है, और पैदल ही पहुंच गई, ये इसका स्टैंड है मैसूर जू का। बस आती होगी यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट, आप पता कर सकते हैं। मैं तो बाय वॉक जा रहा हूँ क्योंकि 2-2 किलोमीटर में ही है सारे, तो मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं बहुत सही है, टेम्परेचर भी कोई दिक्कत नहीं है। पैदल चल रहा हूँ इतनी देर से, लेकिन ट्रेटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। ये आप मकाओ देख रहे हैं, बहुत तरीके के तोते हैं यहाँ पर। मैं चोरी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि 200 रुपये चार्ज है अगर पकड़ा गया तो। और मैं यही कहना चाहूँगा, जू बहुत अच्छा है। अभी एंट्री हुए हुए 5 मिनट हुए हैं, लेकिन पैसा वसूल लग रहा है क्योंकि बहुत तरीके के तोते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके के। ये जू बहुत छोटा है इसलिए आप देखोगे मैं कितने पास है वो। वो हिप्पोटामस, हिप्पोपोटामस, हिप्पोटामस, पता नहीं क्या होता है इसका नाम। ये आप देख सकते हैं दोनों भालू मस्ती करते हुए, काले पांडा। बहुत पास हैं, बहुत सही दिख जाते हैं। दिल्ली वाला जू जो है काफ़ी बड़ा है, बहुत सही नहीं दिखते, खेल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अफ्रीकन एलिफेंट, प्योर वाइल्ड एनिमल, और ये बहुत नज़दीक है। आप देख रहे हो, देख रहे हो क्या एक्टिविटी कर रहा है, पेड़ हिलाने की कोशिश कर रहा है और पेड़ हिल भी रहा है। ओके गाइस, आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिल सकता हूँ या तो मैं कुर्ग में, या तो हो सकता है कि मैं दिल्ली में, या तो हो सकता है मैं राजस्थान में। इन तीनों जगहों में से एक जगह मिलूँगा। ये देखने के लिए कहाँ मिलूँगा, नेक्स्ट वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियोस कैसी लग रही हैं ये भी बताएं कमेंट में, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं ये भी बताएं, घूमने के लिए कहाँ जा सकता हूँ ये भी बताएं। कुल मिलाकर अपनी दोस्ती बनी रहेगी, ब्लॉग्स आते रहेंगे, हर तीसरे या दूसरे दिन आपको एक ब्लॉग मिलेगा ट्रैवल का। और बजट ट्रैवलिंग और सोलो ट्रैवलिंग मैं कर रहा हूँ। मैंने अपनी ट्रिप शुरू की थी 1st ट्रैव 2021 को, और तब से मैं रेगुलर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो देखते रहें कि कहाँ क्या होता है, कितना खर्चा आता है। अभी तक मैं आपको बता दूँ, तकरीबन मैंने 1st ट्रैव को शुरू की थी, और मैंने केरला एक्सप्लोर कर लिया है, मैंने तमिलनाडु में ऊटी एक्सप्लोर कर लिया है। आज तारीख जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तारीख है 18 तारीख, और 18 तारीख तक मतलब 1st फेब से 18 फेब तक मेरे खर्च हो चुके हैं अराउंड 15,000 रुपीज़, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ, मतलब खाना पीना रुकना ट्रैवल करना सब कुछ, जितनी भी साइट सींग्स वगैरह कई बार थोड़ी एक्सपेंसिव करनी पड़ती हैं बोट राइड्स वगैरह, वो भी सब कुछ इंक्लूडेड है। आप बताएं क्या इससे कम में हो सकती थी, या इससे कम में कैसे कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्लाई राइड ऑफिशियल, हैव ए नाइस डे।